इन पति पत्नी की जोड़ी रही पर्दे पर सुपरहिट एक ने तो साथ में की है सात फिल्में बॉलीवुड में ऐसे कई एक्टर्स हैं जिन्होंने अभिनय से करोड़ों लोगों को दीवाना बनाया है लेकिन आज अभिनेताओं के अभिनय को लेकर नहीं बल्कि हम बात करेंगे उन अभिनेताओं के बारे में जो अपनी बीवियों के साथ फिल्म इंडस्ट्री में खूब एक्टिव थे बॉलीवुड में ऐसे बहुत से एक्टर्स हैं जिनकी पत्नियों ने अपने अभिनय से लोगों का दिल जीता है तो चलिए आज हम आपको इंडस्ट्री के उन अभिनेताओं के बारे में बताते हैं जो ना सिर्फ खुद सिनेमा में एक्टिव रहे बल्कि उनकी बीवियों ने भी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान है। ओम शिवपुरी और सुधा शिवपुरी सत्तर के दशक में हर दूसरी फिल्म में अपने ओम शिवपुरी को विलन का किरदार निभाते हुए देखा होगा उनके खलनायक के किरदार को लोगों ने खूब पसंद किया था ओम शिवपुरी ने अपनी फिल्म ओम शिवपुरी ने अपने फिल्मी करियर में कई हिट फिल्मों में अभिनय किया है वैसे तो राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले शिवपुरी ने अपने करियर की शुरुआत जयपुर के एक रेडियो जॉकी के तौर पर की थी मगर वह फिल्मों में आ गए वहीं अगर बात करें शिवपुरी की पत्नी की तो सुधा शिवपुरी भी उसी रेडियो स्टेशन में काम करती थी जहां शिवपुरी करते थे अपने पति की तरह ही सुधा भी कई हिट फिल्मों और टीवी सीरियल्स में काम कर चुकी हैं अजीम नाम पंकज कपूर और नीलिमा अजीम का है भले ही आज ये जोड़ी एक साथ ना हो मगर एक वक्त था जब ये दोनों एक दूसरे के प्यार में खूब पागल थे लेकिन शादी के नौ साल बाद दोनों ने एक दूसरे से तलाक ले लिया था बात करें अगर पंकज और नीलिमा के फिल्मी करियर की तो पंकज कपूर ने अपने शुरुआती दिनों में चौहत्तर से ज़्यादा थिएटर नाटक कर चुके हैं और इस दौरान पंकज के अभिनय को इतना पसंद किया गया था कि मशहूर हॉलीवुड फिल्म निर्माता रिचर्ड एटनबर्ग ने महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित अपनी फिल्म गांधी में उन्हें कास्ट कर लिया था इस फिल्म के बाद पंकज कपूर ने अपने करियर में कई हिट फिल्मों में काम किया अपने करियर में कई हिट फिल्मों के काम के बाद अपने करियर में कई हिट फिल्मों में काम किया जिसमें मंडी जाने भी दो यारों रोज़ा मकबूल जैसी फिल्में शामिल हैं वहीं अगर बात करें नीलिमा अजीम की तो उन्होंने अपने करियर में यूं तो कई धारावाहिक और हिट फिल्मों में काम किया है मगर उन्हें असली पहचान सलीम लंगड़े पे मथ्रो सड़क सूर्यवंशम इश्क विश्क और ब्लैकमेल जैसी फिल्मों से मिली थी फिल्मी करियर से हटकर नीलिमा ने अपने पर्सनल लाइफ में कई तरह के उतार चढ़ाव का सामना किया है पंकज कपूर से शादी टूटने के बाद नीलिमा ने राजेश खट्टर से शादी की मगर उनकी ये शादी ज्यादा दिनों तक ट नहीं पाए उसके बाद उन्होंने फिर एक बार रजा अली खान के साथ अपना घर बसाया मगर पाँच सालों बाद उनका ये रिश्ता भी टूट गया जिसके बाद अब निलिमा अपने बेटे और मशहूर एक्टर शाहिद कपूर के साथ रहती हैं वहीं पंकज कपूर ने सुप्रिया पाठक से दूसरी शादी रचाई थी जिसके बाद अब वो उनके साथ खुशी खुशी रहते हैं नसीरुद्दीन शाह और रत्ना पाठक शाह इस लिस्ट में अगला नाम नसीरुद्दीन शाह और उनकी पत्नी रत्ना पाठक शाह का है इन जोड़ी की गिनती बॉलीवुड के शानदार कलाकारों में की जाती है आपको बता दें कि नसीरुद्दीन शाह और रत्ना पाठक की पहली मुलाकात साल उन्नीस में हुई इस वक्त रत्ना जहाँ एक कॉलेज की स्टूडेंट थी तो वहीं नसीरुद्दीन शाह पुणे के मशहूर फिल्म संस्थान एफ टी टी आई में पढ़ाई करते थे हालांकि उस वक्त नसीरुद्दीन पहले से शादीशुदा थे मगर उनका रिश्ता पत्नी के साथ कुछ ठीक नहीं था जिसके बाद नसीरुद्दीन और रत्ना के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगीं और फिर साल उन्नीस में दोनों ने शादी कर ली अगर बात करें दोनों की फिल्मी करियर की तो दोनों ही बेहद उम्दा कलाकार हैं नसीरुद्दीन शाह ने अपने अभिनय से लोगों को खूब एंटरटेन किया है वही लोग भी उन्हें बेहद पसंद करते हैं उनके बारे में ये तो कहा ही जाता है कि अगर अभिनय सीखना हो तो नसीरुद्दीन शाह की फिल्में देखनी चाहिए वही रत्ना पाठक शाह भी उन कलाकारों में से हैं जो अपने आप को किसी भी किरदार में ढाल लेती हैं फिल्म मंडी से बॉलीवुड में कदम रखने वाली रत्ना पाठक ने उसके बाद कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है पता बात करें अगर नसीरुद्दीन शाह की तो उन्होंने भी अपने अभिनय के झंडे हर जगह लहराए हैं इतना ही नहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नसीरुद्दीन शाह ने तीन फिल्म फेयर पुरस्कार तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और वेनिस फिल्म फेस्टिवल अवार्ड भी अपने नाम किया है राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया ये जोड़ी किसी पहचान की मोहताज नहीं है भले ही आज सुपरस्टार राजेश खन्ना हमारे बीच हो या ना हो भले ही आज सुपरस्टार राजेश खन्ना हमारे बीच ना हो मगर उनके अभिनय के लोग आज भी कायल हैं राजेश खन्ना आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं अपने अभिनय से राजेश खन्ना ने लोगों के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाई है वहीं अगर बात करें उनकी पत्नी डिंपल कपाड़िया की तो फिल्म बॉबी से रातों रात स्टार बनने वाली डिंपल ने बॉलीवुड के कई हिट फिल्मों में काम किया है और आज भी वह फिल्म इंडस्ट्री में बेहद सक्रिय हैं डिम्पल ने अपने बेहतरीन अभय से डिम्पल ने अपने बेहतरीन अभिनय से लोगों का दिल जीता है बात करें अगर राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया के प्रेम कहानी की तो फिल्मी सफ़र के अलावा दोनों की लव स्टोरी भी बेहद दिलचस्प थी डिम्पल राजेश खन्ना से इतनी इम्प्रेस हो गई थी कि बेहद कम उम्र में ही वह उनसे शादी करने को राज़ी हो गई थी डिम्पल राजेश की बहुत बड़ी फैन थी ऐसे में जब राजेश खन्ना ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज़ किया तो वो झट से मान गई और फिर दोनों ने शादी कर ली थी अमिताभ बच्चन और जया बच्चन इस लिस्ट में अगला नाम सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और जया बच्चन का है इस जोड़ी को ना सिर्फ दर्शक को ना सिर्फ दर्शक रियल लाइफ में पसंद किया करते हैं बल्कि इनकी जोड़ी असल जिंदगी में भी बेहद मशहूर है इस जोड़ी ने एक साथ लगभग सात फिल्मों में काम किया है इस जोड़ी ने एक साथ लगभग सात फिल्मों में काम किया था अमिताभ भी अपने दौर की अमिताभ तो फिल्मों के सुपरस्टार थे ही वहीं जया बच्चन भी अपने दौर की बेहद मशहूर अदाकारा थी दोनों ने एक साथ फिल्म जंजीर मिली अभियान अभिमान चुपके चुपके शोले सिलसिला कभी खुशी कभी गम में साथ काम किया था जिससे दर्शकों ने खूब पसंद किया था अनुपम खेर और किरण खेर अनुपम खेर और किरण खेर की जोड़ी बॉलीवुड की पावरफुल जोड़ियों में से एक है इस जोड़ी ने ना सिर्फ रियल लाइफ बल्कि फिल्मी पर्दे पर भी अपना जलवा बिखेरा है दोनों ने अपने दम पर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है हालांकि इस कपल ने एक साथ कुछ फिल्मों में काम किया है जैसे कि रंग दे बसंती टोटल सियापा वीर जारा जी जैसे नाम शामिल हैं